अगली खबर है नसरुल्लागंज से, जहां जेसीबी के चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक जेसीबी मशीन को चलाते हुए आल्टो कार में टक्कर मार दी, जिससे कार क्षतिग्रस्त हो गई। कार चालक ने गोपालपुर थाने में पहुंचकर मामला दर्ज कराया। फरियादी भागीरथ यादव निवासी ग्राम पंगरी ने पुलिस को बताया कि मैं सुरभि विश्वकर्मा निवासी लाड़कुई के यहाँ ड्राइवरी करता हूँ, जो कि मैं सुरभि विश्वकर्मा मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा छिपानेर में सहायक प्रबंधक है। मैं सुरभि विश्वकर्मा को लेकर लाड़कुई आ रहा था, तभी ग्राम चोरस खेड़ी के पास एक लापरवाह जेसीबी के चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन को चलाते गए अल्टो कार क्रमांक MP04EB7017 में टक्कर मार दी, जिससे कार फ्रंट की ओर से क्षतिग्रस्त हो गई। जिसके बाद यह पूरी घटना सुरभि विश्वकर्मा के पिता को बताई, जिसके बाद गोपालपुर थाने पहुंचकर अज्ञात जेसीबी के चालक के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया। वहीं फरियादी ने बताया कि लगभग 4-5 दिन का समय बीत जाने के बाद भी जेसीबी मशीन चालक पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। ओम प्रकाश विश्वकर्मा, कहाँ के निवासी? ओम प्रकाश भाई, लाड़कुई। क्या घटना हो गई है जो गाड़ी में अभी एक्सीडेंट हुआ? बेटे डेली अप डाउन करते हैं, तो छिपनेर बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पे है वो। वहाँ से लौटने के टाइम पे 5:54 पे जेसीबी वाला एरियस हो रहा था, गाड़ी जैसे अचानक उसने तेजी लापरवाही से चलाते हुआ गाड़ी में टक्कर मार दी, उसके बाद में जेसीबी खड़ी करके भग गया। क्या फिर आगे आपने क्या करवाया? मैंने थाने जाके इसकी FIR करवाई, ड्राइवर को साथ लेगा FIR करवाई। तो इसमें किसी प्रकार की कोई चोट वगैरह बच्ची को आई? बेटी का हाथ सूज रहा है, सर्वाइकल में भी वो आया इसमें।